हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आज मेरा SBI PO मेंस का एग्ज़ाम था। वीडियो बहुत लेट हो गई है, आई नो, बट क्या करें, एग्ज़ाम ही इतना लंबा होता है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। 3 साढ़े 3 घंटे आपको पहले वहाँ बैठना है, फिर आधा घंटा बायोमेट्रिक, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं और मैं आपको अपने अटेम्प्ट से बता देती हूँ। तो मैं पहले पेपर बता दूं तो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, मतलब कि हाँ, बहुत मैं श्योर हो जाऊं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे मुझे लग रहा है कि मैंने किया है। तो बाकी देखते हैं क्या होगा। मैं आपको कुछ अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। तो पहला सेक्शन जो खुला था वो था रीजनिंग का। रीजनिंग में दो क्वेश्चंस जो पजल के थे वो तो BR से ही दिए हुए थे, ब्लड रिलेशन के दो पजल थे बड़े बड़े से, तो मैंने वो नहीं किए हैं। मिसलेनियस के मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। कोडेड फॉर्म में डायरेक्शन आया था और कोडेड फॉर्म में ही इनइक्वालिटी आई थी, तो ये मैंने क्वेश्चंस किए हैं। डायरेक्शन का मैंने एक क्वेश्चन किया है, इनइक्वालिटी में शायद दो थे, दो या तीन थे आई थिंक, तो मैंने किया है, मतलब जितने भी थे ये क्वेश्चंस ये मैंने किए हैं। एंड इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग के दो क्वेश्चन थे तो वो भी मैंने किए हैं। एंड रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, रिवर्स वाले, तो शायद दो क्वेश्चन थे तो वो मैंने किए हैं। पजल में एक क्वेश्चन आया था, दो ही क्वेश्चन थे उसके, उसमें ये था कि 3 ऑड नंबर दिए हुए थे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके, तो ऐसे हमें 12th तक ले जाना था। एंड देन वर्ड दिया हुआ था मीट, और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको इन पे बिठाना था, तो ऐसा था। तो ये क्वेश्चन डूएबल था, बट हुआ ये था कि मैंने काउंटिंग अच्छे से नहीं की थी। ये 12 हमें लेने थे, 12 ऑड नंबर्स, बट मैंने शायद 21 तक ही लिया था, तो जो 23rd वाला था वो मिस हो गया था मुझसे, तो मेरे 11 प्लेसेस ही आ रहे थे, तो नंबर बैठ ही नहीं रहा था। तो इट टुक अराउंड 4-5 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या गलत कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी बट फिर से मैंने दिमाग लगाया कि क्या गलत हो रहा है इसमें, तब मुझे समझ में आया कि इसमें 19, 21 और 23 तक की सीरीज़ जा रही थी, तो ये मेरी गलती है कि मैंने इसको मिस कर दिया था, तो इसलिए मेरा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। एंड क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने सेव कर रखे थे कि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो देखने से लग रहा था कि हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं थे बट बड़े थे, मतलब टाइम लगेगा आपका, तो ये मैंने छोड़ रखे थे कि मैं इसको बाद में करूँगी। तो एक पज़ल मैंने और बनाई थी जिसमें ऐसे लाइन 1 थी, देन लाइन 2 थी, ऐसे लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद अरेंजमेंट जो है लाइन 3 में अरेंज हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल था, और यहाँ पे 9 का मल्टीपल था, और यहाँ पे 5 का मल्टीपल बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये वाली एक पजल थी, ये मैंने बनाई थी। एंड एक पजल थी ऑर्डर एंड रैंकिंग से, एक पजल आई थी, तो उसमें लास्ट में शायद ऊटी था, यहाँ पर गया था, ठीक है, ये गया, गया सी आया था मेरा, एंड यहाँ पर इम्फाल था फर्स्ट वाला। आप लोग एक बार, आपको याद आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, जिसका भी पेपर होगा मतलब समझ में आ जाएगा, शायद यहाँ पर डी था, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ये क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। 6 पीपल वर देयर, यहाँ पर 6 लोग थे, एंड देन ये लोग कहीं जाकर बैठ रहे थे, इसका भी कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, तो ये वाला एक पजल मैंने किया है। और क्रिटिकल का फिर लास्ट में मेरे पास जितना भी टाइम मिला था, क्योंकि मैंने एक पजल में ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया था, तो क्रिटिकल शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन बनाए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कितने बनाए हैं इसमें। तो यहाँ पर मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो है 19, रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन था क्वांट, तो क्वांट में सेम एज SBI JEE, जो मैंने मिस्टेक वहाँ की थी वही मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी है क्वांट में। क्या हुआ था कि यहाँ पर DI आई थी एक, शायद कुछ तो एपिसोड उसमें चल रहे थे, वेब सीरीज़ से कुछ था, बारग्राफ दिया हुआ था उसमें, तो मैंने उसको सेव कर लिया कि इसको मैं बाद में करती हूँ, ये डूएबल सा लग रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस से, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट थे, ऑर्गेनाइजेशन ए और बी में थे कुछ लोग, इसमें 64 थे, एंड देन इन तीनों में दो 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 ऐसे प्लस हो रहा था, ठीक है, तो ये हो रहा था 70, एंड देन इनको बाइफरकेट किया हुआ था इसमें कि HR और मार्केटिंग में कितने लोग हैं, तो ये आ रहा था 40, एंड फाइनेंस वाला था 30, ठीक है, तो इतना मेरा निकल गया था। और फिर उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइजेशन 2 में टोटल जो वैल्यू थी वही थी 36, ऐसे कुछ था, तो मैंने मतलब निकाला, मैंने एक गलती यहाँ पर की थी, तो यहाँ पर एक वेरिएबल आ रहा था तो वो मैंने एक्सेल ले लिया, और यहाँ पर एक कुछ मिसिंग टर्म था वो भी मैंने एक्सेल ले लिया। बाद में जब मैं इक्वेशन बना रही थी मेरा सब भी एक्स आ रहा था, तो मेरा पता नहीं मैं उसमें उलझ गई, बन सकता था बट मेरा टाइम इतना चला गया मैं उलझ ही गई, मेरी इक्वेशन ही बनती चली गई, और वो पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक की थी उसमें। तो यहाँ पर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, आई थिंक अराउंड 7 to 8 मिनट मैंने किया, और यहाँ पर मुझे मिला 0, क्योंकि मैंने फिर इसको छोड़ा एट दी एंड कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं मिसलिनियस पर चली गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी अटैम्प्ट ना हो। तो मिसलिनियस में मैंने DS के क्वेश्चन किए हैं शायद 2, Q1 Q2 दिया हुआ था वो मैंने किया, नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे शायद 2 तो वो मैंने किया है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सीरीज़ मुझे याद है, 106, 108, 111 एंड 117, देन 132 एंड लास्ट वाला जो था शायद ये 177, मतलब ऐसे कुछ था, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं, आप एक बार सीरीज बनाओगे तो याद आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे ए और बी ब्लैंक था, ठीक है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। एंड एक और इसमें एक DI थी,
जो थी टाइम उसमें दिया हुआ था, टाइम पीरियड यहाँ पर एंड टाइम पीरियड एंड यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे और कुछ मिसिंग थे, तो जो मिसिंग था ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो वो मेरी निकल आई थी यहाँ पर, ठीक है। तो वो निकालने के बाद बट उसमें ये वाले जो वैल्यूज़ है, ये तीनों वैल्यूज़ मेरी आ गई थी, यहाँ पर मिसिंग था, ये हमें क्वेश्चन में करना था सॉल्व, तो ये मुझसे नहीं हुआ था। बट इसके साथ में एक और चीज़ हुई थी नीचे, जब हम नोट्स पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने पार्टनरशिप ऐड की हुई थी और वहीं मैं फंस गई। जब वो पार्टनरशिप में मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो वो काफ़ी लंबा जा रहा था, मतलब एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं रही थी उसमें, या तो अगेन मैंने कुछ प्रेशर में गलत कर दिया था कि मुझसे बन ही नहीं रहा है, तो ये वाला हाल रहा। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट वाली जो वेब सीरीज़ वाली डी आई थी शायद बना सकती थी, तो वो मुझसे छूट गई। तो ओवरऑल मेरी अटेम्प्ट है इसमें 9 ओनली, तो काफ़ी ख़राब गया है पेपर। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिल्कुल, कि एटलीस्ट मुझे 13-14 तो बनाने थे, इतना मतलब मेरी ही मिस्टेक से गलत हुआ है, बट हाँ बना सकते थे आई थिंक। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना अटेम्प्ट रहा है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट है जीए। तो जीए में तो यार सब लोग कहते हैं डीपली पढ़ो डीपली पढ़ो, बट बंदा कितना ही डीपली पढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा ही जीए आने लगा है। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे इसमें जो कर सकते थे, जैसे कि वो हरनाथ संधू वाला क्वेश्चन था एक, एंड FDI पूछा हुआ था तो वो एक क्वेश्चन आप बना सकते थे, एंड एक ऑथर वाला जो क्वेश्चन था तो वो भी बनाने लायक था। एक SBI का शेयर पूछा था जियो में, ठीक है, जियो बैंक में आई थिंक कुछ तो क्वेश्चन था, तो इसमें 30% मार्क किया था मैंने, तो ये हो गया। एंड एक और क्वेश्चन था जो मैंने टिक किया है बट मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, तो अगर आप में से किसी को वो बताओ तो प्लीज़ मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कितनी ब्रांचेज हैं ओवरऑल इंडिया में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो थे 7625 और एक था 78 और समथिंग कुछ था 213 या कुछ, तो मतलब ऐसे डेटा था, तो मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो रही थी कि इसका आंसर क्या आएगा। तो एक ही हो गया, वेटलैंड से क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने रिव्यू तो देख ही लिए होंगे और जगह, तो जीके क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही थे, बड़े बड़े थे, स्कीम्स अगर दी हुई हैं, अगर आपने स्कीम का नाम पढ़ रखा होगा तो वो स्कीम का नाम नहीं पूछ रहे आपसे, वो स्कीम के एलिमेंट्स पूछ रहे हैं कि स्कीम में है क्या, और हमको ये बताना है 4 पॉइंट में से, मतलब 4 सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से हमें ये ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। मतलब ऐसे पेयरिंग दी हुई थी, ओनली 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, ओनली 2, 3 एंड 4, ये ऑप्शन से, ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी ऐसा ऐसा। तो जब तक आपको स्कीम के बारे में चारों पॉइंट श्योर नहीं हो गए आप नहीं आंसर कर सकते हो। तो इस और वेटलैंड भी सेम ही ऐसा यही पैटर्न पे ये था, वेटलैंड में एक में इटावा वाला एक ऑप्शन था पहला वाला, ठीक है, एरिया दिया हुआ था, सेकंड दिया हुआ था शायद 47th वेटलैंड बनाए, और थर्ड दिया हुआ था कि यमुना रिवर फ्लड आने पर ये बनाए, ऐसा कुछ सेंटेंस था, तो ऐसा, तो इसमें 1 और 2 आंसर मैंने लगाया है। तो ओवरऑल मैंने जीए में किए हैं 25, बट 25 में से कुछ कुछ गलत भी हो गए हैं, तो अगेन पता नहीं इसमें से मेरे कितने नंबर आएंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश। तो इंग्लिश आई विल से कि ये जो था, ये सेक्शन एक सेक्शन था जिसमें सब ने भर भर के अटेम्प्ट किए हैं, इट वाज क्वाइट डूएबल, जिसको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भरोसा है कि हाँ हमारी इंग्लिश ठीक है, तो इंग्लिश उसने बनाई होगी अच्छे से। और इसमें RC दिए हुए थे, 2 RC थे, एक था मेलिंडा गेट्स समथिंग, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें मेजर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वर्क फोर्स में वो कम हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ था, वो वुमेन से रिलेटेड वो आ रहा था। एंड देन नेक्स्ट जो RC था वो था कॉटन पे, कि मतलब येलो कॉटन और वाइट कॉटन ऐसे करके था, तो वो एक RC था, डूएबल थे कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें, इजी थे, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो कर लोगे। एंड एक क्लोज टेस्ट जैसे हम करते हैं प्री में आता है क्लोज टेस्ट, बट इसमें जो क्लोज टेस्ट था वो फ्रेज मतलब आपको चेंज करना था, ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन थे, शायद ये 5 या 6 थे इसमें, याद नहीं है मुझे, बट मैंने किए हैं क्वेश्चन। एंड इसके अलावा मैचअप वाले क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम में, बट मैच में मतलब जैसे ये ए वाला सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ 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 लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पर एक मैच, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो ऊपर हमें वर्ड दिया हुआ था उसको हमें इसमें फिल करना था, देन कॉलम बी से हमें उसे पेयर अप करना था, तो इस तरीके का था, बट वो बनाने लायक था, आप स्क्रीन पर देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होना है। एंड देन स्वैप के क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप जो होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, तो ये भी डूएबल थे। एंड एरर के क्वेश्चन थे, तो एरर में दिया हुआ था एक बोल्ड में सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें से एरर ढूंढ के जो एरर उसमें है वही सेंटेंसेस में आने चाहिए। हाँ पैराजम्बल टाइप का एक क्वेश्चन था, ए बी सी उसमें बड़े बड़े से सेंटेंस लिखे हुए थे, और बी वाला जैसे ए में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, एंड देन बी जो है वो ब्लैंक था, ये ब्लैंक हो गया, एंड देन सी वाला जो है सी में फिर से पैरा दिया हुआ था, तो ये कुछ क्वेश्चन था, बट ये मैंने छोड़ा है, मुझे नहीं समझ में आया ये क्योंकि टाइम नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता, तो ये मैंने छोड़ दिया, और हो सकता था शायद मेरा गलत भी हो जाता, मैंने रिस्क नहीं लिया इसमें। तो ओवरऑल इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में 29, तो मतलब ठीक ही है जहाँ तक है, बाकी तो 100% एक्यूरेसी तो कोई भी नहीं बोल सकता है इंग्लिश में, देखी जाएगी अब कैसा होगा। तो ओवरऑल जो मेरा पेपर है
अच्छा सॉरी, डिस्क्रिप्टिव मैं भूल गई हूँ, तो डिस्क्रिप्टिव मैं बता देती हूँ एक बार। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में तो लेटर में एक था आपको आउटबाउंड एक्टिविटीज समथिंग, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरे एक फ्रेंड ने बताया है मुझे कि इससे कुछ आया था बैंक की आउटबाउंड एक्टिविटीज से कुछ अपने मैनेजर को लिखना है समथिंग कुछ था वो। एंड जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो अटेम्प्ट किया था मैंने कि आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें एक कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है हु जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, तो उनके अच्छे कामों के बारे में बताना था और आर्टिकल छपवाना था, अल्टीमेटली वही एक लेटर था। तो ये मैंने कर लिया था, मतलब मैंने यही अटेम्प्ट किया है। एंड देन जो ऐसे आए थे तो ऐसे में एक जो सबका फेवरेट टॉपिक आया था वो था प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक था बेसिकली वो। तो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया है। एंड मैंने जो अटेम्प्ट किया है दैट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसा था इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो दिस वॉज दी जो मैंने अटेम्प्ट किया है, सॉरी फॉर दी गंदी राइटिंग, अभी चला लो काम इसी से। तो ये अटेम्प्ट मैंने किए हैं। ओवरऑल जो मेरा पेपर गया है मतलब ओके ओकेश गया है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है, निकलेगा तो बॉर्डर पे निकल जाएगा और रुकेगा तो बॉर्डर पे रुक जाएगा, ऐसा वाला मतलब गया है। तो आई डोंट हैव सो मैनी होप्स फ्रॉम दिस कि बहुत अच्छा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मैं फिर से अपने अटेम्प्ट बता देती हूँ सेक्शनल वाइज। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 19, क्वांट में 9 और जीए में 25 और इंग्लिश में 29। बट जीए में कुछ रॉन्ग भी हैं, ऐसा नहीं है कि 25 के 25 ठीक है, नहीं बहुत कुछ रॉन्ग भी मिल गया है मुझे, तो काफ़ी नेगेटिव होने वाला है इसमें। बाकी इंग्लिश में भी नेगेटिव, पता नहीं कितना ही एक्यूरेसी रही होगी मेरी, तो इन दोनों में ठीक है। जितना भी मैंने किया यहाँ पर जो किया ये सही सही किया है मेरे हिसाब से, बाकी अब देखा जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में लोग पूछ रहे थे, मतलब कन्फ्यूज थे कि ऐसे में क्या वर्ड लिमिट थी, तो देखो ऐसे में उन्होंने वर्ड लिमिट दे रखी थी 200 वर्ड, ठीक है। लेटर में उन्होंने कोई वर्ड लिमिट नहीं दे रखी थी, ठीक है, नो वर्ड लिमिट्स वहाँ मैंने देखा था, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बट इट डजन मीन कि आप 300 वर्ड या 250 वर्ड का लेटर लिख रहे हो, बेसिकली वो 150 से आप 160 तक का ठीक रहता है। बाकी आपने जो लिख दिया आप तो लिख दिया, उसको चेंज तो कर नहीं सकते हो, बट ठीक है जैसा गया बढ़िया है। अब अगले पेपर की तैयारी करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।